नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख दैनिक सवेरा। इस समय हम बात करेंगे सबसे चर्चित मामले पर, वो है आज का रिफ्यूजी का मामला। 75 साल से ऊपर हो चुका है इस मसले को, आज तक ये मसला ना तो स्टेट गवर्नमेंट से हल हुआ है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमारे साथ बात करेंगे आज राजीव चुन्नी जी, जो पिछले काफ़ी अरसे से रिफ्यूजियों के मामले को केंद्र तक ले जा रहे हैं। सरकारें जितनी भी आई हैं, सेंटर में हो या स्टेट में, उनके सामने ये मसले रख रहे हैं। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज राजीव चुन्नी से, पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह ये सारा जो रिफ्यूजी का मसला शुरू हुआ और अब इसमें क्या स्टेटस है। जी राजीव चुन्नी, नमस्कार सर। धन्यवाद सर। बात करेंगे हम शुरू से कि ये मसला था रिफ्यूजी का, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये अब तक ये सॉल्व नहीं हो सका। देखें, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो तब तक जम्मू कश्मीर ने फैसला नहीं किया था कि इसको पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है। और जो डेडलाइन थी कि आप लोग 15 अगस्त से पहले सोच लीजिए, जिस जितने भी रियासतें थी, तो तकरीबन हर रियासत ने फैसला कर लिया, या पाकिस्तान के साथ चले गए या हिंदुस्तान के साथ चले गए। लेकिन जम्मू कश्मीर चूंकि कभी अंग्रेजों का भी गुलाम नहीं रहा, तो इस रियासत ने कोई फैसला नहीं किया और एक तरह से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था इसका, पाकिस्तान के साथ भी और हिंदुस्तान के साथ भी, कि मुझे समय दिया जाए सोचने का कि मुझे पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है। आप कहने का मतलब ये था कि 47 में जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ ही नहीं। देखिए, आज़ाद तो वो होगा जो गुलाम होगा। मैं तो कहता हूँ 47 के बाद जम्मू कश्मीर जो आज़ाद था वो गुलाम हो गया। वो ऐसे गुलाम हुआ कि जब पाकिस्तान भी बन गया, हिंदुस्तान भी बन गया, तब जाकर अक्टूबर महीने में, ये 15 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हो गया, 15 अगस्त हिंदुस्तान का हो गया, ये अपना वो दिन भी मनाते हैं। तो जिस दिन 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने पहला हमला बोल दिया जम्मू कश्मीर पर, 47 में ही, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगने लगा कि जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता था हमारी रियासत का, वो पंजाब की तरफ से नहीं था, वो लाहौर की तरफ से जाता था, आसान था अपना, ये जो पठानकोट वाला मार्ग था ये नहीं चलता था। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद ये रावी का पुल बनने लगा। जब रावी का पुल बनने लगा, जम्मू पठानकोट मार्ग चौड़ा होने लगा, तो पाकिस्तान को लगा यार ये तो जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ जाने का, इनका कोई मन बन रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों का। तो उसने एक साजिश करके, वैसे तो वो ये कहता है आज तक कि जो ट्राइबल्स थे, जो कबायली थे, ये उन्होंने हमला किया। ये पूछना चाहिए पाकिस्तान से कि ट्राइबल्स का क्या स्टेक था जम्मू कश्मीर में, उनका तो कोई लेना देना नहीं था। असली बात ये थी कि पाकिस्तान की फौज ने ट्राइबल की शक्ल में जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया और उनका मकसद ये था कि जहां पर भी हिंदू मुस्लिम सिख की आबादी है, वहां से हिंदू और सिखों को या तो मार दिया जाए या भगा दिया जाए या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, ताकि जो लोग बच जाएं, वो लोग बचे हुए लोग जब उनसे ये पूछा जाए कि आपने किस ओर जाना है, तो वो पाकिस्तान का नाम ले। तो एक बहुत बड़ी साजिश थी, हम तो उसका शिकार हुए। विभाजन का तो हमसे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग कहते हैं जी विभाजन की वजह से हम इधर आए, कुछ लोग कहते हैं हम विभाजन की वजह से पार गए, लेकिन हमारे केस में जम्मू कश्मीर के जितने भी पीओजे के विस्थापित हैं, वहां पर विभाजन का कोई असर नहीं था। ये पाकिस्तान का एक सुनियोजित हमला था जो हिंदू और सिखों पर किया गया, और इसका नतीजा आज ये है कि पूरी दुनिया के किसी भी छोटे बड़े देश में आप चले जाइए, आपको वहां हिंदू भी मिलेगा, आपको वहां सिख भी मिलेगा, लेकिन पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में एक भी हिंदू या सिख नहीं मिलेगा। या उसको मार दिया, या उसको भगा दिया, या उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। आज की तारीख में पूरे का पूरा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है। तो सर, जो आपने बात की अभी कि रिफ्यूजियों का जो मसला है वो आजादी से नहीं, पाकिस्तान का जो हमला हुआ उसके साथ है, गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को प्रसाद बना लिया, और जो लोग आए थे उनको आज तक जो उनको राशि देनी चाहिए थी, जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, वो अब तक पूरा क्यों नहीं मिला, क्या कारण? देखें, इसमें सरकारें जो रहीं
उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही। शुरू में जब हम लोग आए 47 में, वहां से निकल के जो इलाके आज पाकिस्तान के कब्जे में, जिसमें मीरपुर जिला पूरे का पूरा पाकिस्तान के पास चला गया, मुजफ्फराबाद चला गया, पुंछ पूरा नहीं गया लेकिन पुंछ के कुछ इलाके गए जिसमें पलंदरी और बाग दो तहसीलें थी, बाकी दो जिले हमारे पूरे चले गए। वहां रहने वाले जितने और जितने हिंदू और सिख थे जो बच गए, मारे भी बहुत, 70,000 के करीब हमारे लोगों का कत्ल हुआ है। 70,000 मारे गए, वहां से आए कितने परसेंट आए? सुनिए, जितने लोग आए वो कोई 3 लाख के करीब थे, कोई 40-45 हजार परिवार थे उस समय, मैं आपको वो भी उसकी भी डिटेल बताऊंगा। तो वो जो लोग यहाँ आए, यहाँ चूंकि एक बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन आया, कोई कम नहीं होता 2.5-3 लाख लोग, तो उनको क्या किया गया, यहाँ स्कूलों के अंदर, प्ले ग्राउंड के अंदर, जहां जहां स्थान मिला वहां बिठा दिया गया। तो ये कहा गया कि बड़ी जल्दी हम उस इलाके को खाली कराने वाले हैं, तो हम आप लोगों को आपके घरों में वापस भेजेंगे। लेकिन जब ये प्रयास हो रहा था हमारी फौज द्वारा कि हम उस इलाके को खाली कराएं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि खाली मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ नहीं पाकिस्तान के कब्जे में गया, कबायली श्रीनगर सिटी तक आ गए थे, बारामूला, उड़ी, करना, ये सारा उनके कब्जे में चला गया था। आज ये बहुत बड़ा सवाल है, लोगों को भी पूछना चाहिए कि हमारी फौज श्रीनगर सिटी को खाली करा सकती है, बारामूला खाली करा सकती है, उड़ी खाली करा सकती है, करना खाली करा सकती है, वो मुजफ्फराबाद उसने खाली क्यों नहीं कराया? उसने मीरपुर पर हमला क्यों होने दिया? वो हमला हमारे एक्सेशन के 1 महीने के बाद हुआ। ये हम मान सकते हैं कि मुजफ्फराबाद इसलिए फाल हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत में विलय नहीं किया था, तो भारत क्यों मदद करती? हमें खुद लड़ना था, हम पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ पाए, हम कमजोर थे, मुजफ्फराबाद फाल हो गया। लेकिन जब विलय हो गया 26 अक्टूबर 1947 को, उसके 1 महीने के बाद नवंबर में मीरपुर पर हमला होता है पाकिस्तान, भारत की फौजों के सामने आंखों के, और वो एरिया जो है वो पाकिस्तान के इलाके में चला जाता है, और वहां पर भी वही कहानी दोहराई जाती है जो मुजफ्फराबाद में दोहराई गई थी। तो उसके मैं आपको बता रहा हूं कि इतने इलाके खाली हो गए, लेकिन हमने गलती क्या की, 1 जनवरी 1949 को हम यूनाइटेड नेशन चले गए और हमने वहां एक शिकायत दर्ज करा दी सिक्योरिटी काउंसिल में कि जनाब पाकिस्तान ने हमला करके हमारी जमीन को छीनने का एक साजिश रची है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जब तक कोई फैसला देती, जैसे अदालतों में होता है, उन्होंने एक स्टेटस को, उन्होंने कहा सीज फायर, आप एक काम करिए, जो जहां तक फौज खड़ी है, अगर मान लो हमने उड़ी को वापस ले लिया है, करना को वापस ले लिया है, बारामूला को वापस ले लिया है, तो मुजफ्फराबाद के बॉर्डर पर खड़े हैं वही खड़े हो जाइए, यहां से हम अगर जंगड़ तक पहुंच गए हैं, मीरपुर नहीं आया, तो वहीं खड़े हो जाइए। हमने मान लिया, क्यों माना? हम नहीं मानते। अगर हम इतने इलाके खाली करा सकते हैं तो उन इलाकों को खाली कराना हमारे लिए कौन सा कठिन काम था? लेकिन अब कौन लोग सलाह दे रहे थे, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस हमले के बाद जब हमने विलय किया, तो विलय की एक शर्त यह भी थी कि यहां से महाराजा हरि सिंह जी को जाना पड़ेगा, वो चले जाएं, ये रियासत हिंदुस्तान के हवाले कर दें, वो जिसको चाहें वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, सरकार सारी उसके हाथ में थी। लोग यहाँ तक सवाल उठाते हैं कि फौज जब हमारे यहाँ बैठी थी भारत की, तो हमने उसको मीरपुर तक क्यों नहीं जाने दिया, जब पता था कि वही हालात आज मुजफ्फराबाद वाले मीरपुर में भी बने हुए हैं। लेकिन जंगड़ में फौज को रोक दिया गया, मीरपुर में फौज नहीं गई, उसका नतीजा ये हुआ कि मीरपुर के हिंदू सिखों को भी गाजर मूली की तरह 24 और 25 की मध्य रात्रि में काटा गया, और वहां पर भी उसी तरह की मौतें हुई जो मुजफ्फराबाद में हुई, और सारा इलाका जो था वो पाकिस्तान के नजायज कब्जे में चला गया। इसी तरह से पुंछ के पलंदरी और बाग में भी वही खेल खेला गया, और हजारों कीमती बेशकीमती जाने जो हैं वो चली गई। और सबसे जो दुखदाई बात है वो ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो एक मेंटल ट्रामा में जिए, वो इसलिए जिए क्योंकि वो अपने बुजुर्गों को वहां पर मरता तड़पता छोड़ा है, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए, इनसे अभागा कौन होगा, क्योंकि हालात ऐसे थे कि या तो आप जान बचाकर निकलिए नहीं तो आप भी मरिए। तो ये सारे हालात थे। मैं समझता हूं कि उस समय के जो शासक थे ये सरासर उनकी गलतियां थी, क्योंकि हमारा मामला 1947 का है और यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है 1945 में,
वो मात्र 2 साल का बच्चा था, और 2 साल का बच्चा हमारे लिए जजमेंट देता है कि आप सीज फायर कर दीजिए, और हम उसको मान लेते। लगता है आपको तब गलती हुई? निश्चित तौर पर हुई है। मैं एक बात बता दूं, हमने वो एक ऐसा कैंसर लगा लिया अपने शरीर के साथ, वो रिस रहा है, वो तब से आज तक रिस ही जा रहा है। आप देखें जितनी मिलिटेंसी हमारी इस रियासत में है, उसके ट्रेनिंग कैंप्स मेरे उस इलाके पे हैं जहां से मैं विस्थापित होकर आया हूं। भारत उसको पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपना अभिन्न अंग कहता है, और हमारे अभिन्न अंग में हमारे खिलाफ एक ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है जो यहां आकर हमारे निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर जहां से लोग ट्रेनिंग पाने के बाद हिंदुस्तान में इन्फिल्ट्रेट होते हैं, तो इस तरीके से हम उन लोगों को मार देते हैं, 10 हो 20 हो, अगले दिन और 20 आ जाते हैं। एक एक सिलसिला मैं समझता हूं कि एक गलती नहीं की हमने, इस गलती के बाद हमारी इतनी तबाही और बर्बादी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है जो मेरे परिवारों का मानव अधिकारों का हनन हुआ है, उनके जो मानव अधिकार आपने जो है छीने हैं, उसके लिए कौन आदमी जिम्मेदार है मुझे बताइए? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं देश का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि 2 प्रधानमंत्री के दावेदार थे, एक दावेदार थे पंडित नेहरू और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो 2 कुर्सियां तो थी नहीं, देश एक था, तो विभाजन करना पड़ा ताकि वो वहां प्रधानमंत्री बन जाए, वो वहां बन जाए। लेकिन मैंने क्या कहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने कहा है प्रधानमंत्री के दावेदार 2 नहीं थे 3 थे, तीसरे शेख अब्दुल्ला साहब थे। इसलिए जम्मू कश्मीर जो है यहां पर भी प्रधानमंत्री बनाया गया, यहां शेख अब्दुल्ला साहब प्रधानमंत्री बने, हिंदुस्तान की गद्दी पर पंडित नेहरू को बिठाया गया वो वहां प्रधानमंत्री बने, और पाकिस्तान की गद्दी पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बिठाया गया। लेकिन इस पूरे सिलसिले में 3 सीटें बनाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन में लाखों जाने गई, और जम्मू कश्मीर में एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मेरे 70,000 हिंदू सिखों का खून लगा। अभी 2024 चल रहा है, इस समय तक जो विस्थापित आए थे, रिफ्यूजी आए थे पाकिस्तान से, कितने लाखों की तादाद में है? देखें जी 12 लाख लोग तो एस्टिमेटेड जम्मू कश्मीर में रहते हैं। उसका कारण ये था, सरकार खुद मानती है, एक आंकड़ा है, मैं सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूँ, 31,619 परिवार रजिस्टर किए गए थे, जिसमें से 26,000 परिवार यहाँ रजिस्टर किए गए थे, और 26,319, 5,300 परिवार हिंदुस्तान से बाहर अन्य राज्यों में, और इसके अलावा 9,500 ऐसे परिवार थे जिनको 4-3-4 कारणों से रजिस्टर करने से छोड़ दिया गया था। यानी आप वो 9,500 और 36,500 मिला लीजिए, ये कुछ 46,000 फैमिली बनती है, और 46 तब वो परिवार नहीं थे कि हम दो हमारे दो, 5-7-8 हर परिवार में सदस्य थे। आपके कहने का मतलब 12-13 लाख अभी इस समय है? बिल्कुल है जम्मू कश्मीर, और 12-13 लाख जो लोग हैं इनकी रिप्रेजेंटेटिव कौन कर रहा है, कौन इनको लीड कर रहा है? अब भी जो अब देखें कि अभी भी मैंने सुना है 24 सीटें पार हमारे असेंबली में पड़ी हुई हैं, विधानसभा में पड़ी हुई हैं, क्यों फिल नहीं की जा रही, क्या रवैया गवर्नमेंट का, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखें अगर इसको ये फिल करते हैं तो मैं समझता हूँ मेरे समुदाय का तो फायदा है, लेकिन मेरे समुदाय से सबसे ज्यादा फायदा भारत सरकार का अपना है, उसका कारण है। देखें आज क्या हालत बनी हुई है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, वहां पर पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है, उन लोगों की छाती पर गोलियां मार रहा है जो लोग पार बैठे हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं क्योंकि हमने माना हुआ है उस क्षेत्र को अपना, लेकिन कौन बोलेगा? मैं कहता हूं जिस चीज की आपने बात की कि 24 सीटें, ठीक है इन 24 सीटों पर उनका हक भी है जो पार बैठे, लेकिन मेरे लोगों का भी तो हक है। हम 1/3 लोग वहां से यहां आ गए हिंदू सिख, हमने नहीं कहा हमें 24 दीजिए, हमने कहा हमें 8 सीटें दे दीजिए। अगर आज 8 सीटें होती, मेरे 8 MLA होते, वो यूनाइटेड नेशन में जाते, वो भारत सरकार के पास जाते, वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को दिल्ली में पकड़ते, वो जनाब और जो सरकारें थी US की, UK की, जर्मनी की, जो जो भी हैं दुनिया भर की सरकारों को बोलते, ये हम नहीं होने देंगे, ये हमारा घर है, हम उसके नुमाइंदे हैं चुने हुए, और वहां पर जो मिलिटेंसी की खेती होती है, जो वहां ट्रेनिंग कैंप्स हैं उसको बंद किया जाए रातों रात,
जो सी पैक बन रहा है जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उसमें मेरे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, सड़क मार्ग बनाए जा रहे हैं, रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं, हवाई मार्ग बनाए जा रहे हैं, हम उनको रोकते। लेकिन हमारी, मैंने देखा है कि ये सोचते हैं पता नहीं हम इनको सीटें दे देंगे कि कौन सा तूफान आ जाएगा। जनाब मेरे पास 8 लोगों की रिपोर्टें पड़ी हैं, मैंने ये कमीशन और कमेटियां नहीं बनाई। ये कमीशन और कमेटियां कभी भारत सरकार ने, कभी जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाई। वाधवा कमेटी कहती है 8 दे दो, आपने बनाई थी। जनाब यहाँ 3 तरह के इंटरलोकेटर आए, 3 रिपोर्टें वो तैयार हुई, वो कहती है 8 सीटें दे दो, आपने बनाई थी। उसके बाद आप देखें कि यहाँ 183rd पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी, जिसको बीजेपी के पुराने अध्यक्ष, जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा 8 सीटें दे दो। और उसमें क्या था, सभी पार्टियों के मेंबर थे उस कमेटी में। और वो आगे चलकर क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि 8 सीटें देने के लिए अगर जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो करिए, इनको दीजिए। अभी स्टेटस क्या है, मैं वही बता रहा हूं, उन्होंने भी कहा। फिर ये डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, उसमें भी कहा जाता है कि 2 सीटें आप कश्मीरी विस्थापितों को दे दो और पर्याप्त मात्रा में सीटें इन लोगों को दे दो। ये रंजना देसाई बोलती है, जो हमारी डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन थी। लेकिन जनाब जब 5 अगस्त को तो आपने किया कुछ नहीं, 2019 को जब आपने रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया, आपने उस रीऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से अमेंड किया 2023 में, आपने एक ब्लंडर और कर दिया। आपने क्या किया, कश्मीरी विस्थापितों के लिए 2 सीटें बोली थी, दोनों दे दी, और मेरे लिए 8 बोली थी और 1 सीट दी। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे पास 8 कमेटियां और कमीशनों की रिकमेंडेशन पड़ी है जो भारत सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाई थी। उन्हीं 8 कमेटियों में कश्मीरी विस्थापितों का भी जिक्र है, लेकिन सीट का कहीं जिक्र नहीं। इनके लिए सीट के लिए मात्र एक कमीशन ने बोला, डिलिमिटेशन कमीशन ने, एक कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही काम हो गया। हमारे लिए 8 रिकमेंडेशन जो है उठा के जनाब इन्होंने कूड़ेदान में डाल दी। इनको जो समझाने वाला है, अब 370 टूट किया है जी, 370 टूट किया है, खत्म कर दिया गया। उसके बाद भी आप देखते हैं कि जो सीटें चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, रिफ्यूजियों के लिए, देखें 370 का इन सीटों से क्या लेना देना है। 370 भाई साहब एक अलग मामला है, वो ना तो हमारे खिलाफ था, क्योंकि हम तो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, वो जो पंजाब से आए थे वेस्ट पाकिस्तानी, उनको अफेक्ट करता था 370। हम तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमें तो जब 370 था तब भी यहाँ वोटिंग राइट था, हमें नौकरियों का अधिकार था, हमारे स्टेट सब्जेक्ट थे। हमारी लड़ाई 370 के लिए नहीं है, वो रहे या जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीटों का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। सीटें तो हमने क्या सोच कर रखी है, हमने ये सोच कर रखी है, जैसे क्या होता है, एक आदमी का एक कनाल का प्लाट है, 12 मरले उसके पास है, 8 मरले पे किसी दूसरे आदमी ने कब्जा किया हुआ, उसने नक्शा पूरा एक कनाल पे बना लिया, 12 मरले पे निर्माण कर लिया, 8 कनाल का, 8 मरले का छोड़ दिया, 12 मरले पे कर लिया, 8 मरले का छोड़ दिया कि जब उसके कब्जे से वापस आएगा मैं वहां भी कमरे बना के अपना पूरा मकान मुकम्मल करूंगा। इसी तरह का नक्शा हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली का है। वो क्या था, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी उसमें 100 सीटें रखी गई, 75 इस तरफ होंगी, 25 पार के लिए होंगी। बाद में हमने एक सीट निकाली, यहां 76 कर ली, वहां 24 रखी, ठीक है। 76 के बाद हमने यहां 87 कर ली डिलिमिटेशन करके, वो 24 की 24 ही रही। क्यों भाई, अगर 76 की 87 हो गई, 24 को भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ाओ ना, अगर इलाका आपका है तो, इसका मतलब है हम पाखंड कर रहे हैं। और फिर 87 में से जब अब रीऑर्गेनाइजेशन हुई, 6 सीटें लद्दाख की निकाल दी, रह गई 81 को हम 90 पे ले गए, 9 और बढ़ा दी, वो 24 की 24 ही रही। मतलब जादू देखो, जादू क्या है कि वहां पर कुछ नहीं बढ़ रहा, वो जहां था वहीं ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ यहां बढ़ रही है, गलत बात है। अगर मान लो हम लोग 3 लाख आए थे, आज 12 लाख है, तो प्रोपोर्शनेटली हमारे उस इलाके की भी सीटें ऊपर जाती। मैं कहता हूं आप 24 पे ही आ जाइए, 24 में से एक तिहाई अगर 8 सीटें आप हमें दे देते तो भाई साहब होता। हम किस लिए मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं कि मेरी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वहां पर चुनाव संभव नहीं है, तो इसलिए आप हमें नॉमिनेशन देते। ये एक मिसाल है, दुनिया भर में मिसाल है, जो लोग वोट डालकर अपना नुमाइंदा नहीं चुन सकते अपने इलाके का, यहां तो हम डालते हैं वोट, उसके लिए उसको नॉमिनेट कर दिया जाए जब तक वो इलाका वापस आता है, आपने हमें नहीं दिया। लेकिन आपने जब कश्मीरी विस्थापितों को दिया, आपने खुद ही अपनी बात को गलत साबित कर दिया।
एक तरफ आप कहते हैं कश्मीर में नॉर्मलसी है, अगर कश्मीर में नॉर्मलसी है, इन्होंने अभी भी वोट डाला अनंतनाग के लिए, सारे अनंतनाग तो नहीं हुआ, बारामूला और श्रीनगर हो गया इन्होंने डाले, तो ये अगर वहां के लिए वोट डाल सकते हैं तो अपनी सीटों के लिए असेंबली के लिए क्यों नहीं डाल सकते। लेकिन मैंने मीरपुर के लिए वोट नहीं डाला, मैंने मुजफ्फराबाद के लिए वोट नहीं डाला, मैंने पुंछ के पलंदरी और बाग के लिए वोट नहीं डाला, क्योंकि इलाके पार है, इसलिए जरूरी थी। ये बात इनको कौन समझाए? और ये करके आपने क्या संदेश दिया? आपने ये संदेश दिया कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, इसलिए हम कश्मीरी विस्थापितों को कश्मीर के बाहर सीटें दे रहे हैं। अगर हम मुआवजे की बात करें तो कितना मुआवजा अब तक मिल चुका है रिफ्यूजियों को 47 के, और कितना और मिलने की उम्मीद है? देखें, मुआवजे के लिए तो भारत सरकार तैयार ही नहीं है। उसका ये स्टैंड है कि अगर हम लोगों को आपको यहाँ परमानेंटली सेटल करते हैं तो एक संदेश जाएगा वर्ल्ड ओवर कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है। तो मुआवजे का सवाल नहीं है। ये जितना कुछ थोड़ा बहुत हमारे साथ वायदा हुआ था, इट वॉज एन एक्स ग्रेशिया ग्रांट, ये एक आप कह लें कि एक छोटी मोटी राहत देनी थी, उसमें 25-25 लाख रुपये हर परिवार को मिले, और हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले, हमारे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको नौकरियों का एक 8,500 नौकरियों का पैकेज मिले। ये पैकेज हमने अपने संघर्ष से जम्मू कश्मीर की सरकार से अक्टूबर 2014 में पास कराया था, तब भाजपा कहीं नहीं थी किसी भी सरकार में। उसके बाद जब ये पास हो गया, इसकी रिकमेंडेशंस दिल्ली गई, तब तक भाजपा सरकार आ चुकी थी। लेकिन आप देखें, उन्होंने भी क्या मजाक हमारे साथ किया, उन्होंने 25 लाख देने के बजाय सिर्फ 2000 करोड़ रिलीज किया, जिसमें 5.5-5 लाख रुपए सबको आता था। हम ले नहीं रहे थे, इन्होंने कहा नहीं आप लीजिए, ये एक इंस्टॉलमेंट है, बाकी पैसा भी देंगे। उसमें से भी आधे लोगों को मिला है, आधों को नहीं मिला, और जो थोड़ी बहुत ज़मीनें हमें मिली थी कि आप यहाँ बैठें गुजारा करें जब तक इलाका खाली कराते हैं आपको घर जाने के लिए, आप देखें उन ज़मीनों पर भी आज क्या हाल है कि इन्होंने पीछे जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया उसमें हमारे वो अधिकार छीन लिए। दफा 3 हमारे पास आर्टिकल 3 में राइट था कि हम उस जमीन को मॉर्गेज कर सकते थे, बैंक के पास कर्जा ले सकते। अभी क्या पोजीशन उसकी? वो बंद है, नहीं कर सकते। देखें, जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादियां रचा ली इस जोर पर कि मेरे पास जमीन है, मैं उसका 2 मरले 4 मरले 2 कनाल 4 कनाल बेचूंगा तो मैं बेटे या बेटी की शादी कर लूंगा, या मेरे बेटे या बेटी ने पढ़ना है तो मैं जमीन बेचूंगा मैं उसकी शादी कर लूंगा, या मेरे घर में बीमारी है तो मैं जमीन बेचूंगा तो मैं कर लूंगा। अब ना तो आप बीमारी का सामना कर सकते हैं, ना बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना बच्ची को पढ़ा सकते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है वो कोई जिस सरकार ने हमें दिए थे, पिछली सरकार ने, उन्होंने कोई हवा में नहीं दिए थे। ये बड़ी लंबी लड़ाई थी जो सरदार बच्चन सिंह पंछी जी लड़ते आए पीछे, उसके बाद ये धागा हमने थामा। उसमें यही था कि जनाब इसलिए हमें राइट दे दो क्योंकि हमारी चल अचल संपत्तियां पीछे पड़ी हैं पीओके में, तो अगर हमें अधिकार दोगे कोई बड़ा, कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, हाँ उनको ना दो जो यहाँ के लोकल हैं, हमें इसलिए दे दो क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज पीछे पड़ी हैं। उस सोच की एवज में ये मिला था, लेकिन अब हालत ये है, जमीनों के अधिकार छीन लिए, हमारी सीटें हमसे छीन ली, हमारा जो मुआवजा देना था वो हमसे ख़त्म कर लिया, और सबसे बड़ी बात ये है अभी एसटी का चला कि जितने पहाड़ी होंगे, मैं पहाड़ी, मेरा क्लैन पहाड़ी है, मेरा ट्राइब पहाड़ी है, मेरी एथनिसिटी पहाड़ी है, लेकिन मुझे पहाड़ी स्टेटस नहीं दिया, एसटी पहाड़ी मिलता, एसटी मिलता, मेरे कठुआ के लोगों को नहीं दिया, रियासी को नहीं दिया, उधमपुर को नहीं दिया, जो किसी को मिला, मिला सिर्फ पुंछ रजौरी वालों जो प्रॉपर रहे हैं। नहीं, प्रॉपर रहे का क्या मतलब होता है, हम सब पार से आए, जो पुंछ जो जिसे पहले प्रश्न किया है, अगर मैं वही कह रहा हूँ आप पुंछ में है तो जरूर मिलेगा, अगर नहीं, क्यों क्यों अगर पुंछ में नहीं हो, नहीं 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 पुंछ में देखें, अगर तो पुंछ का बसनीक है, निवासी है, उसके लिए हम मान सकते हैं, उसको इसलिए मिला कि वो पुंछ का परमानेंट रेजिडेंट है। एक आदमी जो पार मीरपुर से उजड़ के पुंछ में आया, मीरपुर से निकला, उसका जो पुनर्वास था वो रजौरी में हुआ, वो पहाड़ी और एसटी। मैं भी मीरपुर से निकला, मुझे सरकार ने रजौरी बिठाने के बजाय जम्मू बिठाया, मैं गैर पहाड़ी, ये कैसे हो गया? एक भाई जो है वो हिंदू, एक सिख हो गया, एक मुस्लिम हो गया, एक ब्राह्मण। नहीं, गवर्नमेंट अब देख रही है, अब स्टेटस कौन सा है, पहला छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, कहां से आया कहां से नहीं आया, गवर्नमेंट अब देख रही है कि अब बंदा कहां प्रेजेंट है। नहीं नहीं नहीं, देखें आप बैठा हुआ है, एक्ट में क्लियर लिखा है, अगर एक्ट में लिखा होता ना कि जो रजौरी पुंछ में रहता है सिर्फ उसको मिलेगा, हम कभी ना मांगते। एक्ट में लिखा है आदमी कहीं भी रहता हो
उसका क्लैन, ट्राइब और एथनिसिटी पहाड़ी होनी चाहिए, वो हमारी है। वो दिल्ली में रहता हो? हाँ, दिल्ली छोड़िए, मैं कहता हूँ विश्व में कहीं भी रहता हो, लेकिन नस्लें तो नहीं ना बदलती, नस्लें तो बंदा कहीं चला जाए वो वहीं रहती है। वहां लड़ाई हमारी किस बात की है? या तो एक्ट को अमेंड करो, एक्ट में लिख दो भाई सिर्फ वो आदमी होगा पहाड़ी जो रजौरी और पुंछ में रहता है। ये तो आपने लिखा नहीं, लिखा था पहले 2011 में, जब 2020 में नया एक्ट आया उसमें डिस्ट्रिक्ट हटा दिए गए, उसमें लिखा गया ना पहाड़ी तो पहाड़ी है, एसटी उसको मतलब पहाड़ी उसको मिलेगा जो जिसका क्लैन, ट्राइब और एथनिसिटी पहाड़ी होगी, उसके लिए मैं क्लेम करता हूँ। और आज हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, देखें कोई मामला है तो कोर्ट में खड़े हैं ना, हमें पूरी उम्मीद है कि हम कोर्ट से इंसाफ लेंगे, लेकिन अगर अदालतों ने इंसाफ देना है तो हमने सरकार का आचार डालना है क्या? तो अभी आप किस तरह देखते हैं जो फ्यूचर, भविष्य आने वाले समय में? देखें भविष्य तो अंधकारमय है, बड़ी बुरी हालत है। और देखें हम दिल्ली वालों को क्या दोष दें, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, समस्याएं भी बड़ी हैं, लेकिन जो हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं वो इतने बेईमान हैं, खासकर पीछे जो 10 साल में रहे डॉक्टर जितेंद्र या जुगल किशोर, इन्होंने कभी अपने मुंह से कोई ऑन रिकॉर्ड बता दें इन्होंने कभी कोई बात की हो, ना जी, ना सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो नाम लेवा भी नहीं है। तो जब आप नाम नहीं लोगे, दिल्ली जाके सुनाओगे नहीं भाई एक आदमी है उसको बड़ी पैर में दर्द हो रही है, ऑपरेशन फौरन की जरूरत है, तब पता लगेगा ना, वो हमें एयरलिफ्ट करेंगे, दिल्ली ले जाएंगे, ये यहीं फौरन यहीं ऑपरेशन का इंतजाम करेंगे, आपने बताया ही नहीं। हम यहाँ सड़कों पर चिल्लाते हैं, वो सड़कों पर बात खत्म हो जाती है। तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें नुमाइंदगी दो 8 लोगों को, जब फ्लोर ऑफ द हाउस मेरे लोग बोलेंगे अपने आप चीजें रिकॉर्ड में आएंगी, फिर हम देखते हैं ये कैसे हमें इग्नोर करते हैं। तो ये थे राजीव चुन्नी जी, जिन्होंने बताया कि 47 से बाद जो भी रिफ्यूजी पीओके छोड़कर जम्मू कश्मीर में आए हैं, अब तक उनका कुछ भी सही ढंग से केंद्र से ना ही सरकार की तरफ से, स्टेट सरकार से कुछ किया गया है, और लगता ही नहीं है कि आने वाले समय में भी उनको कुछ होने वाला है। उन्होंने एक ही मांग की कि जो 8 सीटें हैं उनकी रिजर्व रखी हुई, वो उनके जो समाज है, उनका भाईचारा है, उसको दी जाए, ताकि जो अपनी जो मांग सेंटर से पहुंचा सके। और ये भी कहा कि दो जो MPs हैं, जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर, जो जम्मू की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने आज तक 10 सालों में आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिफ्यूजी की बात दिल्ली में नहीं रखी। आप देख रहे हैं कैमरामैन विकास पकड़ के साथ सरबजीत सिंह जम्मू।